नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। आस्था का प्रतीक छठ महापर्व दिवाली के 3 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर षष्ठी तिथि तक मनाया जाता है। यह पर्व खास तौर पर उत्तर पूर्व भारत में मनाया जाता है। इस बार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक छठ पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। प्राचीन कथा के मुताबिक प्रियंगवद नाम का एक राजा था। उनकी शादी मालिन नाम की स्त्री से हुई थी। शादी के सालों बाद भी प्रियंगवद को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह इस वजह से बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ की आहुति की खीर को महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंगवद की पत्नी को दिया और उस खीर के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह मरा हुआ लड़का पैदा हुआ था। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्होंने पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियंगवद का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही छठ पूजा मनाई जाती है। सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से छठ व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी छठ व्रत रखते हैं। छठ पूजा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निःसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व की प्रसाद के बारे में बात करें तो ठेकुआ, मालपुआ, खीर, चावल का लड्डू, गुजिया और सूजी का हलवा आदि छठी मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। छठ महापर्व नई फसल के उत्सव का भी प्रतीक है। सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में फल के अलावा नई फसल से तैयार भोजन भी शामिल रहता है। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।